दोस्तों, हर किसी के लाइफ में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम अपने भीतर खालीपन अनुभव करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो करने को कुछ भी है ही नहीं। जबकि सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास करने को कुछ भी न हो। यह सिर्फ हमारे माइंड का खेल होता है जिसे हम खुद तैयार करते हैं। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक। पहले बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ध्यान आदि के कारण आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेने लग जाता है तो उसके जीवन में ऐसा वक्त आता है जब उसे ऐसा महसूस होता है कि वह बिल्कुल अकेला और खालीपन से भरा है। एक तरफ संसार के आकर्षणों में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, दूसरी तरफ अध्यात्म या ध्यान के जरिए भी उसे कुछ खास प्राप्त नहीं होता। ऐसे में साधक या व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह न घर का रह जाता है न ही घाट का। ऐसा व्यक्ति कई बार अपने आध्यात्मिक जीवन से ऊबकर उसे छोड़कर वापस संसार में लौटने के विषय में सोचने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में यह समझना चाहिए कि ऐसा वक्त प्रत्येक साधक के जीवन में आता ही है। यह वह वक्त होता है जब आपको धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर आप धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहें तो आपको ध्यान और साधना का लाभ भी होगा और अद्भुत अनुभव भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सांसारिक कारणों की। पहला कारण, जब हमारे माइंड में खुद की सेल्फ इमेज खत्म हो जाती है तो हमें एक प्रकार का खालीपन महसूस होता है। दोस्तों, सेल्फ इमेज यानी वह इमेज जो हम अपने लिए अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि हमें लाइफ में क्या बनना है या क्या करना है। दोस्तों, जब हम वो काम नहीं कर पाते हैं या वैसा नहीं बन पाते हैं तो माइंड को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है और हमें खालीपन अनुभव होने लग जाता है। दोस्तों, इसी से जुड़ा है दूसरा कारण। जब इंसान के लाइफ में कोई गोल या एम नहीं होता तो भी वह एक प्रकार के खालीपन का अनुभव करता है। यूं तो सभी के दिमाग में लक्ष्यों की भरमार होती है, लेकिन मजे की बात है कि इनमें से अधिकतर अस्थाई होते हैं, यानी कुछ ही दिनों में ये हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे गोल्स आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो एक वक्त आता है जब आपके माइंड को यह समझ आ जाता है कि आपको कुछ भी करना वरना नहीं है, आप बस टाइम पास कर रहे हो। ऐसे में आपका माइंड आपको नए विचार तो देता है, लेकिन उसके लिए जो एक्साइटमेंट चाहिए होती है वह देना बंद कर देता है। और दोस्तों, जब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी तो खालीपन फील तो होना ही है। दोस्तों, अगला कारण है पास्ट में घटी दुखद घटनाएं। दोस्तों, कई लोग पास्ट में हुई दुखद घटनाओं या हादसों से उबर नहीं पाते। उनका माइंड बार बार उसी के विषय में सोचता रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं कर पाता, नहीं सोच पाता है। ऐसे में उसके जीवन में खालीपन आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक इंसान खुश नहीं रहेगा तब तक वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों, ये थे खालीपन के कुछ मुख्य कारण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।